बिग बॉस से निकलने के बाद जहां शहनाज को खुद ब खुद इतनी पॉपुलरिटी मिली, तो वहीं पारस माहिरा फेक पब्लिसिटी के लिए तरह तरह के काम करने में लगे हैं। हाल ही में पाहिरा ने गरीबों को खाना बांटती हुई वीडियो शेयर कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि उनके इस काम के लिए उन्हें लोगों ने बुरा भला भी कहा था। इतना ही नहीं, पारस माहिरा शहनाज गिल की पब्लिसिटी से परेशान हो चुके हैं कि उनकी जलन तो दूर से ही दिखती है, इसलिए उनके नाम का इस्तेमाल करते रहते हैं। शहनाज को टक्कर देने के लिए पारस माहिरा बड़े काम की तलाश में लगे हैं और अब उनकी ये विश भी पूरी होने वाली है। जी हाँ, पारस को नागिन 5 का ऑफर जा चुका है। खबरों के मुताबिक पारस को नागिन 5 के मेकर्स ने कॉल किया था। हालांकि पारस ने अभी कोई रिएक्शन तो नहीं दिया कि वो नागिन 5 में काम करेंगे कि नहीं, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि पारस ये लकी ऑफर ठुकराएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें शहनाज से ज्यादा पब्लिसिटी कमानी है। वहीं दूसरी तरफ खबरें ऐसी भी हैं कि भले ही पारस माहिरा एकता कपूर के शो नागिन 4 का हिस्सा बने, लेकिन उन्हें वो पॉपुलरिटी नहीं मिलेगी जो शहनाज को मिली। वैसे तो नागिन 5 के लिए लीड एक्टर में शिविन नारंग का नाम सामने आ रहा है। फैंस को भी पारस से ज्यादा शिविन नारंग नागिन 5 के लिए सबसे पसंदीदा स्टार लग रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, शिविन या नारंग कौन नागिन 5 के लायक है? आपको बता दें, पारस बिग बॉस में भी शहनाज से कई बार लड़ते दिखे। इतना ही नहीं, शुरुआत में सना पारस को पसंद भी करने लगी थी, लेकिन सना को बहुत जल्दी पारस का असली चेहरा सामने दिख गया था। पारस ने सना को बहा नीचा दिखाने के लिए माहिरा से नजदीकियां बढ़ा ली थी और आज भी पारस माहिरा एक दूसरे के बहुत क्लोज है। मिलम न्यूज रिपोर्ट।